बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमजान करीम। और आज क्या है बताएंगे? आज है हर दिल की जान चिकन कोरमा। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है और कुछ मैंने मसाले लिए हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से कर लिए थे। इनको हम मिक्स करेंगे और अपनी हंडिया में शामिल कर देंगे। तो भाई, अब ये जो तेल है हमारा गर्म हो गया है। अब इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन डालने वाला हूँ, 1 कप असली घी। और अब वक्त है कि इसके अंदर हम अपनी प्याज शामिल कर दें। थोड़ा सा प्याज को इस तरीके से जो छलने हैं उसको हम खोल लेंगे चमचे की मदद से। जितनी मुलायम होती जाएगी उतनी ही प्याज के छल्ले जो हैं वो अलग होते चले जाएंगे। तो हमें इसको अलग कर लेना अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को आप देख रहे हैं मैंने फाइनली स्लाइस किया है यहाँ पर। तो भाई, प्याज अब हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और यहाँ मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। अब डालते हैं इसमें मखाने। मखाने फ्राई होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, मगर यकीन जानिए बहुत ही बेहतरीन कोरमा बन के तैयार होने वाला है इंशाल्लाह। चलिए भाई, तो अब वक्त है काजू डालने का और ये गए इसमें काजू। तो भाई देखिए, अब यहाँ पे हमारी जो तेल है वो गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, जो फ्राइड अनियन थी, जो मखाने थे, जो काजू था हमारा फ्राइड करके, उनको यहाँ पीस लिया है। वक्त बचाया आपका भी और अपना भी। अब इसके बाद हंडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें, अब मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत मैजिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो लोग यूजुअली नहीं करते, मैं करता हूँ। इसको देख लीजिए कोरमे के लिए क्या करना है आपको। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर शामिल करते हैं लहसुन। जैसे मैंने आपको बताया था मैंने बड़ा चिकन का पीस लिया था, तो यहाँ पे 2 किलो के हिसाब से मैं शामिल कर रहा हूँ मेरे मसाले भी और अदरक लहसुन भी। इसको अब हमें ऐसे चला के और भून लेना है। भाई देखिए, रोगन ज़्यादा, तेल ज़्यादा, उसके बगैर हंडियाँ नहीं बनती। आपने चाहिए अगर तो आप इसको बाद में डिश आउट कर लीजिए। जो रोगन आपको ज़्यादा दिख रहा है, आपको तार ज़्यादा नहीं चाहिए, रोगन ज़्यादा नहीं चाहिए हंडिया में, तो आप उसको अलग निकाल लीजिए, कोई हर्ज नहीं। जब बनाइए, बनाते वक्त तो तेल अच्छा रहना चाहिए। जब तक इसको भून लेना है, जब तक आपको दाना दाना अलग नहीं नज़र आ जाता। आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये सब एक ही जगह मौजूद है, ज़ाहिर बात है क्योंकि रोगन भी है थोड़ा ज़्यादा। तो आपको ये देखते रहना है कि ये जैसे अभी वाइट दिख रहा है ना, ये ब्राउन हो जाना चाहिए। तो जब उसके बाद हम आगे की तरतीब शुरू करेंगे। चूल्हा कम बढ़ती अपने आप को खुद ही मैनेज करना है, देखते रहना है, क्योंकि यहाँ हम भून रहे हैं। यहाँ दही मैंने बीट कर लिया है और इधर अदरक लहसुन रेडी है। ये देखिए ये बिल्कुल ब्राउन की तरफ जा चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डालते ही और दही की मिलावट करेंगे। ये मैं इसके अंदर मसाले अपने शामिल कर रहा हूँ। एकदम से आप देखेंगे जादू की तरीके से कलर आना शुरू हो जाएगा। जो लोग परेशान होते हैं कि कोरमा बनाया उसमें तो कलर ही नहीं था, उसमें तो रोगन ही नहीं था, तो आप देखेंगे कि ये झाग जो है बैठते चले जाएंगे। थोड़ा सा इस तरीके से मसाला हमें भूलने ला है। अब वक्त है कि इसके अंदर मैं दही शामिल करता चलूँ। हल्के हल्के मैं दही शामिल करूँगा, हल्के हल्के चलाता रहूँगा। ये देखिए दही डाल रहा है और कलर कैसे बदलना शुरू हो गया। ये देखिए किस तरीके से अभी हंडिया आपकी शुरुआती हुई है और रोगन आ चुका है। ये देखिए, तो देखें साहब, मसाला मैंने गैस को ज़रा धीमा कर दिया है। मसाला देखिए आप बिल्कुल भुन चुका है और रोगन देखिए, ये रोगन देखिए। अब बिल्कुल शिकायत नहीं होगी रोगन की आप लोगों को। रोगन निकाल के बाद में अलग करिए, इससे घबराइए मत, इससे डरिए मत, है ना। और कमेंट में ये भी मत लिखिएगा कि इसका राज ये रोगन है, ठीक है। इसको अलग रख लेना है, जब आप डिश आउट करेंगे सर्व करते वक्त, आप ऊपर से जैसे हम नारी की प्रोसेस करते हैं उसी तरीके से आपको इसको हिसाब से डालना है, ठीक है। चलिए अब वक्त है कि हम चिकन को शामिल करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, और ये कुछ खड़े मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। चिकन हंडिया में पूरी तरीके से जा चुका है, इसको अब हम भुनने तक ज़रा सा ये कलर चेंज कर दे, जब तक इसके लिए हम रुकेंगे। भाई देखिए, मैं ओपन एयर में हूँ इस वक्त,
मेरी जो तरतीब है थोड़ी सी अलग हो सकती है। जाहिर बात है किचन के अंदर काम डिफरेंट तरीके से होता है, ओपन एयर में कहीं ना कहीं फ़र्क हो जाता है। तो मैं इसको खोल के पका रहा हूँ, मैं कढ़ाई में पका रहा हूँ, मैं पॉट में या डिश में नहीं पका रहा हूँ। और यहाँ इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको भूनूंगा और उसके बाद जो हमारे लवाजमात हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो भाई अब ये जो है गोश्त हमारा खासी भुन गया है इस वक्त, और जितना भी पानी था इसका चिकन का वो इसमें आ गया हंडिया में। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो जो चिकन का पानी था, जो दही का पानी था, वही मैंने इस्तेमाल किया है और उसी में मैंने हंडिया पकाई है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने लवाजमात हंडिया के अंदर शामिल करते हैं। इसको शामिल करेंगे, भुनने तक का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद धीमी आंच पे करके इसको ढक के गला लेना है और माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। लवाजमात जाने के बाद आपका मसाला गाढ़ा करेंगे, रोगन गायब होने लगेगा तो डरिएगा मत, क्योंकि ये तरतीब है। पकने तक हमें इसका इंतज़ार करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि बेहतरीन कोरमा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए कैसे दानेदार कोरमा, जो मैंने बात कही थी शुरू में, दानेदार कोरमा ये देखिए। तो भाई इसके अच्छी तरीके से हमारे लवाजमात जो हैं मिक्स हो गए। ये देखिए दानेदार कोरमा आपका बनता हुआ। अब मैं जो आँच है उसको धीमी कर दूंगा और इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। बहुत पते पते की बात बताता रहूँगा, फिर मत कहिएगा सर्वर ने बताया नहीं। ये जितने भी साइड में मसाला होता है ना हंडिया में, इसको हमें छुड़ाते रहना चाहिए और हंडिया में दाखिल करते रहना चाहिए जी। हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको धीमी आँच पे ढक कर थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारा गोश्त गल गया है। क्योंकि अब इस वक्त हम सिर्फ चिकन के गलने का इंतज़ार कर रहे हैं, हंडिया लगभग रेडी है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा पानी शामिल करना है, तकरीबन आधा कप पानी मैंने ले लिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये गया पानी, क्योंकि ज़रा सा मसाला लाइट हो जाए और हंडिया हमारी प्ले होने लगे और चिकन के गलने के लिए भी थोड़ा वक्त हमारे मसाले को मिल जाए और वो जले ना, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको ढक के और इतना पका लेना है कि हमारा चिकन गल जाए, कोरमा आपका रेडी है। तो भाई अब वक्त आ चुका है कि कोरमे का जो है मज़ा उठाया जाए। मैं कर रहा हूँ चूल्हे को बंद, कोरमा आपका पूरी तरीके से पक के रेडी है। आइए अब इसको डिश आउट करते हैं और एक आखिरी इंग्रेडिएंट जो जादू की झप्पी है वो बताता हूँ क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए रोगन मैं इसी में छोड़ता जा रहा हूँ और ये निकालता जा रहा हूँ। हस्ब ज़रूरत मैं इसके अंदर रोगन रहने दूंगा। तो आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, मैं इसके अंदर शामिल करने जा रहा हूँ कुछ बूंदें केवड़े की। तो ये ऑप्शनल है, खुशबू के लिए डालिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आपके ऊपर, अगर आप डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं। मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ कुछ बूंदें जैसा कि मैंने बताया था। तो भाई ये देखिए जैसा कि वादा किया था, बेहतरीन दानेदार चिकन कोरमा रेडी है। मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं, सरवर मिर्ज़ा से और कुछ बनवाना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा और साथ में ये बताइएगा कि आज का चिकन कोरमा आपको कैसा लगा। लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।